सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे हमारे इट्स अ स्टोरी टाइम वाले यूट्यूब वीडियो सीरीज में एक नया टॉपिक, माय ब्लू टी शर्ट ऑब्सेशन। तो बहुत सारे लोग जो मुझे शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं, वो देख रहे होंगे कि मैं ब्लू टी शर्ट में बहुत ज्यादा वीडियो रिकॉर्ड करता हूं। मतलब एक आध वीडियो हो गया तो हो गया, जो किसी और टी शर्ट में रिकॉर्ड कर लेता हूं, बट ब्लू टी शर्ट में सबसे ज्यादा। तो इसके पीछे रीजन क्या है? क्या मैं सही में ऑब्सेस्ड हूं? क्या दिक्कत क्या है मेरे साथ? तो चलिए स्टोरी में डीप डाइव करते हैं। तो जब सबसे पहले मैं बताऊं, जब मैंने आज से एक डेढ़ साल पहले जेई मेंस का वीडियो रिकॉर्ड करना चालू किया था, तब कभी कुछ ड्रेस जो मिलता था उसमें वीडियो रिकॉर्ड कर लेता था। बट फिर मैंने खुद ऐसा नोटिस किया कि मजा नहीं आ रहा, कभी इसमें कुछ लग रहा है, इसमें कुछ लग रहा है। तो फिर मैंने एक फिक्स किया कि एक मरून कलर का आपको शर्ट दिखेगा। फिर मैंने लगातार उस मरून कलर के शर्ट में वीडियो रिकॉर्ड करना चालू किया। इससे पता नहीं मुझे एक यूनिफॉर्मिटी महसूस होती है। जैसे कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि आदत सी हो जाती है, जैसे स्पीच दे रहे हैं कहीं स्टेज पे और जब तक माइक को हाथ में ना पकड़े तब तक उन्हें स्पीच बोलने मजा ही नहीं आता। फिर कुछ लोगों का होता है कि बटन लगाने का, जब तक ऐसे बटन लगाए खोले ना स्पीच देते हो, मतलब एक हैबिट होता है कि जब तक वो ना करे तब तक वो फील ही नहीं आती। तो मेरा यह है कि दिन भर मैं कुछ भी कपड़े पहने रहूं, बट वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले मेरी एक यूनिफॉर्मिटी रहती है कि ये वाली चीजें ही मैं पहनूंगा। और एक मेरे दिमाग में बैठ जाता है कि ये वाला कपड़ा कुछ ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, तो बार बार अब इसी पे रिकॉर्ड करता हूं। तो उस समय का था जब मैं मरून वाला शर्ट ज्यादा पहनता था कि ये वाला थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है तो यही वाला पहनता हूं, दूसरा वाला भी अच्छा है लेकिन उससे कम अच्छा है। तो मेरा रहता कि चलिए बेस्ट वाला पहना जाए, क्योंकि बस उतने ही देर के लिए पहनता हूं मैं, जब वीडियो रिकॉर्ड करना होता है उतने ही देर। तो उस समय मरून वाला शर्ट चला, लेकिन उस समय मौसम सही था, मतलब कि उस समय शर्ट पहना जा सकता था, थोड़ा ठंडी का टाइम था, उतना गर्मी नहीं लगता था। लेकिन अब काफी गर्मी है तो शर्ट अब पहना नहीं जा सकता, तो ब्लू टी शर्ट। अच्छा, ब्लू ही क्यों? टी शर्ट तो समझ में आता भैया, आप कुछ भी टी शर्ट पहन सकते हो, गर्मी है ठीक है, बट ब्लू ही क्यों? तो यहां अगेन वही रीजन है कि मुझे ब्लू कलर या फिर डार्क कलर कुछ ज्यादा अच्छा लगता है। तो ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ इसी टी शर्ट पे रिकॉर्ड करता हूं, इसी शेड में एक दो टी शर्ट और हैं जो यहां एक ब्लू लाइट जल रहा है, तो उसके शेड में अब पता नहीं, अब सही में क्या पता मुझे ब्लू लाइट से ऑब्सेशन हो या क्या हो, बट जब मैंने लाइट लिया तब इसमें है तो बहुत सारे कलर्स, बट मुझे प्रिफरेबली ब्लू ज्यादा अच्छा लगता है। तो ठीक है, अब चाहे जो भी मैं शेड का टी शर्ट पहनूं, थोड़ा बहुत वो ब्लू ही दिखता है। तो कैमरे ऐसे खुले आंखों से देखेगा तो अलग कलर दिखेगा, बट कैमरे में वो ब्लू कलर ही दिखता है, तो लोगों को लगता है मैं डेली एक ही टी शर्ट पहन रहा हूं। तो एक चीज ये हो गई, और दूसरी चीज की हाँ, और दूसरे कुछ लाइट कलर के शेड्स वाले भी टी शर्ट हैं, बट वो मैं पहनता हूं तो वो फील नहीं आता, उसमें मजा नहीं आता, वो उतना अच्छा नहीं लग रहा। तो मुझे लगता है जब यही अच्छा लग रहा है ठीक यही पहना जाएगा। और अभी हो सकता है जब मुझे डार्क कलर ही पसंद है तो और कुछ टी शर्ट्स लूं कुछ इसी टाइप के शेड्स में, लेकिन अगेन इस ब्लू कलर के लाइट में यही दिखेगा। तो अब क्या किया जाए आप ही बताइए, क्योंकि शर्ट इतने गर्मी में मैं पहन नहीं सकता और टी शर्ट में मुझे लाइट कलर्स भाता नहीं, अच्छा लगता है बट ऐसे वीडियो में ऊपर से जो कैमरा क्वालिटी है मेरे पास उसमें और अच्छा नहीं लगता। तो जो है सो यही है। और एक और चीज होता है ना, जैसे आप वीडियो सुन रहे हो तो सिर्फ मैं अपना पसंद नहीं देख सकता, आपकी भी पसंद देखनी पड़ती है। मान लेते कुछ ऐसा पहनकर आ गया कि अब आपका ध्यान मेरे बातों पर हटकर कहीं और ही जा रहा है कि कपड़ा का कलर सही नहीं लग रहा या कुछ भी है, तो मैं ट्राई करता हूं कि ओवरऑल एक लुक जितना मैं दे पाऊं, जितना मेरे पास सामान है, सेटअप है, जो भी, अब सेटअप के नाम पे क्या है, कुछ भी नहीं है, एक दीवार के सामने खड़ा हो जाता हूं, बस बोलना चालू, एक माइक, एक कैमरा स्टैंड, कैमरा के नाम पे भी एक स्मार्टफोन, एक लाइट, और कुछ भी नहीं। तो ठीक है, मुझे लगता है इस ब्लू टी शर्ट का रहस्य आप सबके सामने आ गया होगा कि ब्लू टी शर्ट में बार बार क्यों पहनता हूं। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अब आप बताइए और किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।